आज के टाइम पे सेडान कारों का मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। हर कोई एसयूवी ही खरीदना चाह रहा है। लोगों के मन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि सेडान कार यहाँ की सड़कों के हिसाब से सक्सेस नहीं है और यहाँ पर केवल एसयूवी ही काम कर सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सेडान हैं जो अपना वजूद बनाए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने की टॉप 10 सेडान कारों की। 10th पोजीशन पर आई है टोयोटा कैमरी। इसकी 143 यानी 143 गाड़ियां पूरे महीने में बिकी हैं। टोयोटा कैमरी टोयोटा की एक लग्जीरियस सेडान है। ये बहुत फीचर से भरपूर है, लेकिन इसका बैड लक है कि आजकल सेडान कार इतनी सेल नहीं होती। थोड़ा इसका प्राइस भी हाई है, इस वजह से ज़्यादा सेल नहीं कर पाती। 9th पोजीशन पर आई है मारुति सियाज। इसकी 572 यानी 572 गाड़ियां पूरे महीने में बिकी हैं। सियाज का एक टाइम पर जलवा था क्योंकि ये बहुत रीजनेबल प्राइस में लॉन्च हुई थी, लेकिन आज ये 9th पोजीशन पर आ गई है। 8th पोजीशन पर आई है होंडा सिटी। इसकी 859 यानी 859 गाड़ियां पूरे महीने में बिकी हैं। होंडा सिटी एक टाइम पर सेडान की रानी थी, यानी सेडान का मतलब होंडा सिटी से ही लगाया जाता था, लेकिन आज इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। होंडा ने इसके अपग्रेडेशन पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये बहुत पीछे होती चली गई। 7th पोजीशन पर आई है स्कोडा सिलाविया। इसकी 1230 यानी 1230 गाड़ियां पूरे महीने में बिकी हैं। स्लाविया स्कोडा का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी एसयूवी के बराबर है और ये काफ़ी अच्छी सेल भी कर रही है। 6th पोजीशन पर आई है टाटा टिगोर। इसकी 1371 यानी 1371 गाड़ियां पूरे महीने में बिकी हैं। ये सेल फिगर टाटा की पेट्रोल और ईवी दोनों को मिलाकर है। टिगोर को डिजायर और ओरा जैसी गाड़ियों के कंपटीशन में उतारा गया था और ये अपनी 6th पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई है। 5th पोजीशन पर आई है हुंडई वर्ना। इसकी 1424 यानी 1424 गाड़ियां पूरे महीने में बिकी हैं। हाल ही में वर्ना ने 5 स्टार एनकैप रेटिंग हासिल की है और ये इतनी अच्छी सेल नहीं कर पा रही है जितनी पहला वर्जन करता था। लगता है लोगों को इसका जो नया फेसलिफ्ट है वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। 4th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन वर्टस। इसकी 1656 यानी 1656 गाड़ियां पूरे महीने में बिकी हैं। वर्टस स्लाविया का ही एक कजिन रूप है, लेकिन ये स्लाविया से ज़्यादा सेल कर रही है। 3rd पोजीशन पर आई है होंडा अमेज। इसकी 1794 यानी 1794 गाड़ियां पूरे महीने में बिकी हैं। होंडा का फेसलिफ्ट आने वाला है और ये सिर्फ पेट्रोल के साथ आती है, जिसकी वजह से इसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई ओरा। इसकी 4299 यानी 4299 यूनिट पूरे महीने में बिकी है। ओरा पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन में अवेलेबल है और ये डिज़ायर को कंपटीशन देती है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी इसकी सेल डिज़ायर के मुकाबले बहुत कम है। 1st पोजीशन का ताज मिला है मारुति डिज़ायर को। इसकी 13421 यानी 13421 यूनिट पूरे महीने में बिकी हैं। डिज़ायर अकेली ऐसी सेडान है जो इतना अच्छा सेल फिगर लेके चल रही है और ये अपनी जगह टॉप 10 सेलिंग कारों में भी बनाने में कामयाब हुई है। तो ये थी जून महीने की टॉप 10 सेलिंग सेडान कारें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।